अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को इस नाम पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के टाइम भी आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मठियाँ, और किस तरह बनेगी इस रेसिपी की, तरकीब क्या है, ये जो सी स्वीट डिश है ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने आधी सूजी, आधी ये वाली कटोरी सूजी की ली है, आधी मैंने मैदे की ली है। तो मैंने ना इसमें ना 5-6 इलायचियों के दाने पीस के डाले हैं और बारीक बारीक नारियल काट के डाला है, जिसे हम लोग खोखा भी कह देते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा घी डाल के ना इसे ऐसे ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, साथ मसल रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ पर आपने दूध रखा हुआ है और ये जो सी है वो चीनी पड़ी हुई है। मतलब 3-4 इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए जो सी हमारी स्वीट डिश है मठियाँ, हम इनको तैयार करेंगे। दूध के साथ आप इस आटे को गूंदे। हाँ जी, ये मैं चीनी डालती हूँ ना, पहले ये घी मिक्स हो जाए ना थोड़ा सा, तो फिर मैं ना इसमें ना दूध डाल के ना फिर गूंदती हूँ। ये ना मिक्स हो जाए। ये इतनी पड़ेगी ठीक है। अब मैं ना इसे गूंद लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने आज मठियाँ तैयार करनी है उसका आटा जो है वो गूंदा गया है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सी चीनी है बिल्कुल भी नज़र नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पीसी हुई चीनी शामिल की है। नारियल अब ये गूंदने के बाद नज़र आने लग गए हैं, और इलायची डाली है मम्मा ने इसके अंदर। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग स्टे करेंगे, मतलब इसको गूंदने के फ़ौरन बाद ही आप लोगों ने मठियाँ नहीं बनानी, 5 से 10 मिनट के लिए इसे रखना है आपने रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद फिर जो सी मठियाँ हैं हम उनको बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देना, देखना मज़ेदार सी जो सी स्वीट डिश मतलब मठियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसकी रेसिपी आपको। हम लोगों ने यहाँ पर जो सा है तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और हमने पतली पतली सी जो सी है वो टिक्कियों की शक्ल में जो मठियाँ हैं फ्राई कर लेनी है बनाकर। तो मम्मा ज़रा आप दिखा दें व्यूवर्स को अपने हाथ पर रखकर। मैं बेटा ये बना लूँगा। ये देखें, तो हल्की आंच पर आपने इनको आराम से बनाना है, एकदम से आपने डालने के बाद पलटना नहीं है, वरना जो सी टिक्कियाँ ये टूट जाएंगी। इस तरह बाकी टिक्कियाँ बनाकर हम लोग फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी जो सी हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो अब हम इनको निकाल रहे हैं। मम्मा हो गया, इसको निकाल लें। हाँ जी। इसी तरह बाकी जो सी हमारी टिक्कियाँ हैं जो हम लोग मठियाँ बना रहे हैं उनको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने स्वीट डिश को ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है, और आज हमने आपके साथ इसको शेयर किया, तो आप लोग इसको बना के हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें कि मज़ेदार से जो सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है वो कैसे बनी है। अगर इसके अलावा आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी देखें हो गई हैं, ज़्यादा नहीं है इन्हें डार्क करना, फिर वो ब्राउन ब्राउन सी हो जाएंगी ना, वो जली जली सी, उसका टेस्ट भी ना अच्छा नहीं आता। ये देख लें व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं टूटी, हमने किसके अंदर ऐसी चीज़ शामिल नहीं की, सारा कुछ आप लोगों के सामने बनाया। तो आप लोगों ने भी आराम से प्यार से तहमल से बनाना है इनको, बिल्कुल पलटना नहीं है, आंच का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तभी जो सी ये आपकी मठियाँ हैं अच्छी बनेंगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल टूट जाएंगी और बिखर जाएंगी, तो आप लोगों को फिर ज़रा डिफ़िकल्टी होगी इसको बनाने में। बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारी मठियाँ हैं मीठी, और जो हम लोगों ने होममेड आप लोगों का स्वीट डिश की रेसिपी शेयर की है, पसंद आई होगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी हैं, बिल्कुल नहीं टूटी, बहुत अच्छी हैं, मीठी हैं, मतलब अगर कभी आप लोगों को मीठा खाने का दिल कर रहा हो, दिस इज़ अ वेरी यूनिक फॉर यू, और आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें। बनाकर आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, मतलब इसे एयर टाइट जो सा है जार उसमें आप लोग रख लें और फिर आप इसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर, यूनिक सी मज़ेदार सी और इजी वे से बनने वाली, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये आप लोगों का ही है और बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो व्यूअर्स, हम लोग वही रेसिपीज़ लेके आते हैं जो इजीली जो से बिगनर्स हैं उनको फॉलो करके बना सकें, तो इसीलिए आज हमने आपके साथ ये रेसिपी को शेयर किया है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ।